गढ़रवारा के वृंदावन भवन में कदम संस्था का 18वीं वर्षगांठ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम वृक्षारोपण कर भव्यता के साथ मना। कदम संस्था के साप्ताहिक पौधारोपण अभियान की 18वीं वर्षगांठ पर 940वां सप्ताह का पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें श्रीमती ममता पांडे, राजेंद्र साहू, संतोष शर्मा, राजीव जैन, आनंद दुबे, नारायण सोनी, श्रीमती वंदना गुप्ता, उमा कावरा, साकेत निकरा, श्रीमती कौशल्या राय ने अपना जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया। कदम संस्था के संचालक श्रीमती मंजू अजय खत्री एवं संस्था के सहयोगियों के द्वारा नगर में प्रत्येक रविवार को जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संस्था के द्वारा अभी तक 15,000 पौधे लगाए जा चुके हैं, जो लगभग सभी पौधे वृक्ष बनकर तैयार हो चुके हैं। कदम संस्था के वृक्षारोपण कार्यक्रम की नगर और आसपास के क्षेत्र में काफी प्रशंसा की जाती है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर वृंदावन भवन में संगोष्ठी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा कदम संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते दिखे। वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का काम है। आज जो वृक्ष बड़े हो गए हैं, वह फल और छाया दे रहे हैं, वातावरण को शुद्ध बना रहे हैं। वृक्ष प्रकृति का संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वृक्ष मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं। भव्य प्रांगण में हरितिमा महोत्सव में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन है। नूतन वर्ष 2024 की अनंत मंगल कामनाओं के साथ कदम संस्था ने आज 18वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर एक पौधा रोपित करते हुए 940वें सप्ताह पर प्रवेश कर अपने कदमों को मजबूती प्रदान की है। प्रकृति श्रृंगार एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है, एक कदम और बढ़ा है इस नगर को हरितिमा से आच्छादित करने की दिशा में। इन अविस्मरणीय क्षणों में जिन महान कदमों ने अपने शुभ हाथों से पौधा रोपित कर अपने जन्म दिवस को सार्थक बनाया है, उनमें श्रीमती ममता जी पांडे, श्री राजेंद्र जी साहू, श्री संतोष जी शर्मा, श्री राजीव जी जैन, श्री आनंद जी दुबे, श्री नारायण जी सोनी, श्रीमती वंदना जी गुप्ता, श्रीमती कौशल्या जी राय, चिरंजीव साकेत जी नेखरा, श्रीमती उमा जी काबरा, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, दीर्घजीवी हो। इन वृक्षों की भांति आपका जीवन परोपकार से परिपूर्ण हो। साथियों, प्रकृति श्रृंगार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस नगर ही नहीं अपितु विश्व को हरियाली से आच्छादित करने के साथ आगे बढ़ते हुए कदम संस्था को आज 940 सप्ताह अर्थात 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। पागलपन की ही आवश्यकता है। जैसे हम अपने घर में बच्चे का जन्म होता है और उसकी जो देखरेख हम और हमारा परिवार करता है, वैसे ही एक पौधा लगाने की स्थिति होती है। कदम संस्था के द्वारा बहुत अच्छी बात ये देखी हमने कि आप बता रहे हैं कि लगभग 15,000 पौधे आपने लगाए हैं। 15,000 पौधे और 20,000 पौधे एक दिन में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये भी गारंटी है कि उसमें से 10 बच जाए, बहुत बड़ी बात। महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 वर्ष में आपने 15,000 पौधे लगाए। तो जैसा कि सोनी जी बता रहे थे कि 4 या 5, वो भी किसी प्रकृति प्रदत्त कोई ऐसा कारण होगा जिसके कारण वो नहीं बच पाए। तो इस कदम संस्था की सबसे बड़ी सफलता यही है कि 100 में से 100% वृक्षों को बचाना, पौधों को बचाना, उनकी देखरेख करना, पौधा लगाने के साथ साथ
उसकी सुरक्षा करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौधा लगाना महत्वपूर्ण नहीं है। इतने ऊर्जावान इस शहर के नागरिक बंधु इस संस्था में है, निश्चित रूप से जैसे जैसे एक एक पौधे की गिनती बढ़ेगी, कदम संस्था की प्रतिष्ठा की गिनती भी बढ़ेगी। वैसे आगे के रास्ते बनते जाते हैं तो खत्री जी आपने तो 2-3 जन सुरक्षित कर लिए हैं, अनूप चाचा रफीक भाई जान साहब भी बैठे, आपने आगे के 2-3 जन्म भी खुद के भी कर लिए और गाड़ा वाड़ा के भी करवा दिए। तो आप जो काम कर रहे हैं वो कोई साधारण काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। 18 साल हो गए, 960 सप्ते हो सकता है आपके निकल गए और गाड़ा वाड़ा को आपने दिया है। खत्री जी बहुत पहले समझ गए थे कि यहाँ NTPC प्लांट आने वाला है, तो उन्होंने गाड़ा वाड़ा के लोगों की श्वास की शुद्ध जलवायु की व्यवस्था पहले से चालू कर दी थी। तो खत्री जी आपके उद्बोधन उसमें भी आया है ये पूरा, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस कदम संस्था में जो भी व्यक्ति अपना समय देता है, एक चावल के बराबर भी सहयोग करता है, वो एक बधाई शुभकामनाएं और उसका एक गाड़ा वाला के लिए स्नेह और प्रेम उसका दिखता है। और जो हर दिन जन्मदिन आ रहे हैं, जन्मदिन लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उसको दिन उस दिन वो सुबह से शाम तक बड़ा अच्छा महसूस करता है जो भी उसको शुभकामनाएँ देते हैं। आप लोगों ने जितने भी पेड़ हमारे आपके आदेश से जो हमने जहाँ जहाँ हमने कार्यक्रम करके लगवाए हैं, ईश्वर की कृपा से वो पूरे पेड़ सुरक्षित हैं। अब कामती में तो जगह भी नहीं है पेड़ लगाने के लिए, वहाँ पूरी बाउंड्री बनी हुई है। और कदम संस्था से मैं बहुत प्रभावित शुरू से रहा हूँ और कदम संस्था को मैं बहुत मानता भी हूँ, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह निरंतर कदम संस्था आपके माध्यम से मंजू भाभी आपका अटूट सहयोग है, क्योंकि बिना घर के कुछ होना जाने वाला है नहीं है, क्यों नहीं है, सहयोग उसमें रहता है मंजू भाभी का। गढ़रवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।